वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ की विशाल बैठक भोपाल में संपन्न हुई। भोपाल वाल्मीकि समाज अधिकारी कर्मचारी संघ भारत की बैठक एवं विशाल परिचय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह आज गीतांजलि चौराहे वाल्मीकि भवन में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर कई सामाजिक बंधुओं का सम्मान भी किया गया। संगठन के राष्ट्रीय प्रशासन महामंत्री सी.एल. राठौड़ ने बताया कि माननीय मंत्री महोदय जी से समाज की कई समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर पर कमल किशोर कोड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष, सुरेश गणेश राम चावरिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष, श्री प्रताप करोसिया, लाखन सिंह गौहर, राजेश करोसिया, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जुगल किशोर कोड़े, प्रेमी लाल दामेले, जीपी चौहान, भगवान दास माथुर, प्रकाश सिहोरे, अमर ऊटवाल दीप आदि के सामाजिक बंधु उपस्थित थे। कार्यक्रम में कई जिलों के कार्यकर्ता उपस्थित हुए, जिसमें मुख्य रूप से खंडवा, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, होशंगाबाद आदि कई जगह से कार्यकर्ता एवं सामाजिक बंधु उपस्थित थे। हेडलाइन 24 से संतोष। राष्ट्रीय महामंत्री प्रशासनिक मध्य प्रदेश संगठन प्रभारी, आज जो कार्यक्रम रखा गया है, मतलब मेरा राज्य स्तरीय मीटिंग पे, इसका मुद्दा एक ही है। मुझे अप्रैल माह में नेशनल लेवल का संपूर्ण भारत के मेरे पदाधिकारी हैं सभी आएंगे, मतलब, और हमारे उसको 2 दिन का कार्यक्रम रहेगा, उसे मतलब उसमें हमारा समाज का सम्मेलन भी होगा, परिचय सम्मेलन। सर अपना नाम बताइए। सी.एल. राठौर, वाल्मीकि राष्ट्रीय महामंत्री, प्रशासनिक मध्य प्रदेश संगठन प्रभारी। तीरथ बहुतरा, आज कार्यक्रम में होशंगाबाद से आप आए हो, कैसा लगा आपको कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत अच्छा था। कर्मचारी संगठन ने जो आज अपनी जो शुरुआत करी है इस प्रोग्राम को लेकर, बहुत अच्छा लगा, अच्छी बात हुई, और अपना दर्द सबने बताया, अपनी अपनी तकलीफ जो है संगठन के सामने प्रस्तुत की, उससे मुझे बड़ी खुशी मिली।